हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुलेखा, आज मैं आपको ये थालपोश बनाना बताऊंगी। फ्रेंड ये देखिए, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 4-ply वुल ग्रीन ऑरेंज स्काई कलर लिया है और 11 नंबर का क्रोशिया। सबसे पहले हमें स्काई कलर लेना है। सबसे पहले हमें धागे में नोट लगानी है। फिर हमें 12 चैन बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमने 12 चैन्स बना लिया। उसके बाद फिर जो हमारी पहली चैन है वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे हमें जॉइंट करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 25 चैन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये हमने यहाँ पे 25 चैन्स बना लिया। उसके बाद फिर जो ये हमारा सर्कल है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। फिर 25 चैन्स, फिर उसी सर्कल में इसे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। इसी तरह हमें 40 चैन की लड़ियाँ बनानी है फ्रेंड्स इसी सर्कल के अंदर। इसे हमें साइड साइड करके हमें इसी सर्कल के अंदर इस तरह 40 चैन की लड़ियाँ बनानी है। 40, ये देखिए, ये हमने इसके अंदर ये सर्कल के अंदर हमने यहाँ पर 40 चैन की लड़ियाँ हमने बना लिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर हमें यहाँ पे 20 से 22 चैन्स बनाने हैं। 22 चैन्स हमने बना लिया। उसके बाद फिर प्लस हमें 16 चैन और बनाना है इसमें हमें। ये हमने 22 प्लस 16 चैन्स, फिर एक चैन धागे को हमें कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे दूसरा धागा ऐड करना है, ग्रीन कलर। धागे में पहले हमें नोट लगा लेना है। फिर जो इसका लास्ट का हमारा चैन है, ये देखिए, जो हमारी पहली चैन है वहाँ पे हमें इसे फिर 3 चैन, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमने ग्रीन से 3 चैन बनाया। फिर हमें यहाँ पे जितने भी चैन हैं हमें यहाँ पे टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाना है। हर चैन के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इसी तरह हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। 1, 2, 3, 4 हमने बना लिया। 12 डबल क्रोशिया हमें और बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने यहाँ पे 16 एक्स्ट्रा जो चैन्स हमने बनाया था वो हर चैन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर यहाँ पे हमें 15 चैन्स बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, ये हमने यहाँ पर 15 चैन्स बना लिया। उसके बाद फिर जो हमारी, ये देखिए, ये हमारी जो पहली चैन की लड़ियाँ हैं उसमें हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। फिर हमें फिर 15 चैन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
15, हमने यहाँ पे 15 चेन्स बना लिया। फिर हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे चार, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार, ये हमने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमें पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, हमने पांच चैन बनाया। फिर हमें एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हमें स्किप करना है। इसके जस्ट बगल में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर उसी स्पेस में दो, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, फिर तीन चैन स्किप, एक दो तीन, उसके जस्ट बगल में दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन, यहाँ पे हमें चार स्किप करना है। फिर जो लास्ट है वहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। ये देखिए, ये हमारी दूसरी लाइन है, यहाँ पे हमने चार स्किप किया और लास्ट में जो हमारा था वहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चैन, फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पे तीन चैन, एक दो तीन, इसी स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाया। फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, फिर जो हमारा यहाँ पे स्पेस है ये देखिए दो डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पर हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार, ये हमने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके बीच में फिर हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, ये देखिए ये हमने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, फिर बाकी की दो डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दूसरी में हमने बनाया। फिर जो हमारी ये लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, ये देखिए हमने चार का छः हमने बनाया। फिर 15 चैन्स बना के फिर हमें दूसरी चैन के लरिया में से ज्वाइन करना है, फिर रिटर्न आना है, फिर हमें 15 चैन्स और बनाने हैं। ये देखिए ये हमने दूसरी चैन के लरिया में इसे ऐड किया 15 चैन, फिर हमने 15 चैन्स बनाए। फिर हमारी जो पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर बाकी हर डबल क्रोशिया में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो लास्ट का हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो हमारी छठी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, फिर हमें यहाँ पे तीन चैन, एक दो तीन, फिर जो हमारी दो चैन की लरियाँ हैं, जो हमारी पहली चैन की लरियाँ हैं उसके नीचे से हमें क्रोशिया को लेना है, दोनों चैन की लरियाँ के नीचे से, फिर ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर ये जो हमारे यहाँ पर चार डबल क्रोशिया है इसके बीचों बीच दो दो में हमें डिवाइड करना है, तो दो के बगल में जो स्पेस है यहाँ पर हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है।
एक, दो, तीन, चार, फिर तीन चैन, फिर इसी प्रोसेस से हमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है, सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर इसके बीच में दो के बगल में चार डबल क्रोशिया, इसी तरह हमें यहाँ पे भी बनाना है। ये देखिए, ये हमारा पहला डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका। फिर इसे हमें यहाँ पर एक चैन लेना है, फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर हमें ये जो दूसरी डबल क्रोशिया है, ये देखिए दो हमने इधर किया, दो हमने इधर किया, बीच में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच, ये देखिए, फिर यहाँ पे तीन चैन, एक, दो, तीन, फिर इसी स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, हमने यहाँ पे तीन चैन बनाया। तीन चैन बनाने के बाद फिर इसी स्पेस में हम एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमने यहाँ पे ये लाइन जो हमने बनाया था, इसी लाइन को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन, दो, तीन, चार, पांच, फिर जो हमारी अगली है इसके बीच में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है बीचों बीच। दो डबल क्रोशिया दो के बीच में, ये देखिए दो इधर दो उधर, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन, फिर इसके बीच में भी हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, पांच चैन, ये देखिए। फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमारी आखिरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाना है, और बाकी जो बीच में हमारे जितने भी डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाया, और जो हमारी लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने दो डबल क्रोशिया बनाया, बाकी बीच में हमने सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर हमने टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 15 चैन बना के फिर हमें तीसरी चैन की लरिया में उसे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया, फिर 15 चैन बना के हमें फिर रिटर्न आना है। ये देखिए, ये तीसरी चैन में हमने इसे ज्वाइंट किया, फिर 15 चैन, फिर यहाँ पे हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाना है। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग से हमें यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाया था बनाना है। पिछली लाइन में हमने यहाँ पे 9 बनाया, 9 डबल क्रोशिया हमने बनाया था, इस लाइन में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है, जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, और स्टार्टिंग से हमें 8 डबल क्रोशिया तक एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, जो 9वां डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये हमने 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 8 एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर जो हमारी 9वीं डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, फिर हमें यहाँ पे पांच चैन बनाना है। चैन को थोड़ा हमें लूज ही रखना है, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर जो हमारी ये दो डबल क्रोशिया इसके बीच में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, चार, फिर पांच चैन, एक, दो, तीन, चार, पांच। इसी तरह हमें ये जो बाकी की हमारी दो है इसके ऊपर भी हमें इसी तरह चार चार डबल क्रोशिया बनाना है, इसके बीच में इस कोने तक, ये देखिए। फिर यहाँ पर हमें एक चैन बनाना है, फिर इसे हमें टर्न करना है, टर्न करके फिर जो हमारी दूसरी डबल क्रोशिया है, एक, दो, यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर हमें तीन चैन, फिर जो हमारी दूसरी डबल क्रोशिया के बगल में जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, फिर तीन चैन, एक, दो, तीन, फिर सेम प्रोसेस जिस तरह हमने यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया है, फिर तीन चैन,
फिर इसके बीच में, दो के बीच में चार डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन। इसी तरह हमें ये एक दो दोनों में इसी तरह हमें से अटैच करना है। ये देखिए ये दूसरी भी डिज़ाइन हमारी, ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी। फिर हमें यहाँ पे जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, और फिर जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशिया है इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, और बीच में हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है हमें सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। हमें यहाँ पे पिछली लाइन में हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाया था, इस लाइन में हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले डबल क्रोशिया में दो, और जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। ये देखिए फिर 15 चैन बना के फिर हमें चौथी चैन की लाइन लेनी है, फिर 15 चैन बना के हमें रिटर्न आना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया, फिर 15 चैन देखिए, फिर हमारी पहली डबल क्रोशिया है, हमें पहली डबल क्रोशिया से लेके यहाँ तक, हमें पहली डबल क्रोशिया से लेके 11वीं डबल क्रोशिया तक हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो हमारी 12वीं डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, इस लाइन में हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट में हमें सिर्फ दो डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लास्ट में हमने दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर पांच चैन, चैन को थोड़ा हमें लूज ही रखना है, एक दो तीन चार पांच। फिर जिस तरह हम ये यहाँ पे जो बनाते आ रहे हैं इसी तरह हमें बनाना है। ये चार डबल क्रोशिया के बीच में, दो डबल क्रोशिया के बगल में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच। इसी तरह हमें ये बाकी दो डिजाइन में भी इसी तरह हमें बनाना है। ये देखिए फिर इसे हमें एक चैन बनाना है, फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर जो हमारे यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे स्लिप स्टिच, ये देखिए फिर तीन चैन, फिर इसी स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर पांच चैन, फिर ये जो हमारा स्पेस है दो डबल क्रोशिया यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस में हमें चार डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन, फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन। ये देखिए फिर यहाँ पे हमें पांच चैन, यहाँ पर हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर जितनी भी हमारी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर यहाँ पे हमें 15 चैन बनाना है, फिर हमें पांचवें चैन की लड़ियाँ लेनी है, फिर 15 चैन बना के हमें फिर रिटर्न आना है। ये हमने यहाँ पर इसे ज्वाइंट किया, फिर 15 चैन, फिर हमें यहाँ पर रिटर्न आ गए। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमें टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीन चैन, फिर इन दोनों को हमें सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर इन दो के बीच में हमें चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, फिर तीन चैन। इसी तरह हमें ये इन दोनों में भी ज्वाइंट करना है इस तरह। ये देखिए ये तीसरी डिजाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पर एक चैन बनाना है और फिर धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए ये पहला हमारा बनके तैयार हो चुका है।
हर डिजाइन में हमें यहाँ पे पांच चैन की लरियाँ हैं, एक दो तीन चार पांच, हर डिजाइन में हमें पांच पांच चैन की लरियाँ हमें लेनी है। हमने यहाँ पे धागे कट कर लिया, अभी हमें दूसरा धागा ऐड करना है। इसे हमें इस तरह पलटना है, देखिए हमें इस कॉर्नर से हमें स्टार्टिंग करना है। हमें दूसरा कलर ऑरेंज कलर लेना है, धागे में हमें नोट लगानी है, ये देखिए। फिर जो हमारी है यहाँ पर जो पहली डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें इसे जॉइंट करना है, सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर उसी स्पेस में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। जिस तरह हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का, जिस तरह हमने यहाँ पर ये पहली लाइन हमने जो स्टार्टिंग किया था शुरुआत, इसी तरह हमें ऑरेंज कलर से भी स्टार्टिंग करना है। फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, फिर तीन स्किप करना है डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीसरे के बगल में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, फिर पांच चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया स्किप, एक दो तीन, तीसरे के बगल में दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, फिर हमें यहाँ पर एक दो तीन, तीन हमें स्किप करना है, जो चौथी डबल क्रोशिया है, एक दो तीन, तीन हमने स्किप किया, जो चौथी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ पे हमें, यहाँ पे जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे हमने चार डबल क्रोशिया बनाया, जिस तरह हमने यहाँ पे ग्रीन की ये पहली लाइन जो हमने बनाई थी, ये देखिए चार डबल क्रोशिया। फिर हमें 15 चैन्स बना के फिर अगली हमें चैन की लरियाँ लेनी है, फिर 15 चैन्स बना के हमें रिटर्न आना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे जॉइंट किया, फिर 15 चैन्स, फिर फर्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे चार बनाया था, अब हमें दूसरी लाइन में चार का छः करना है। तो पहली डबल क्रोशिया के ऊपर दो हमें बनानी है और दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें दो बनानी है, और फिर बीच में जो हमारी दो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। दूसरी लाइन में हमें चार का छः बनाना है डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पर पाँच चैन बनाना है, और फिर जो हमारी दो चैन है, दो डबल क्रोशिया है, इनके बीच में हमें चार चार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर पांच चैन, फिर इनके बीच में चार डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन, फिर इनके बीच में चार डबल क्रोशिया। ये हमें जिस तरह हमने यहाँ पे इस तरह बनाया है, ये देखिए चार डबल क्रोशिया बीच में, इसी तरह हमें यहाँ पर हर इन दोनों के बीच में हमें चार चार डबल क्रोशिया बनानी है और पाँच चैन बनाना है। ये देखिए ये दूसरी लाइन हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। फिर यहाँ पर हमें एक चैन, फिर इसे हमें टर्न करना है, टर्न करने के ऊपर भी जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले चैन में हमें स्लिप स्टिच, फिर तीन चैन, फिर इनके बीच में दो के बीच में दो हमने इधर रखा, दो हमने इधर रखा, इनके बीच में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, फिर तीन चैन, फिर जिस तरह हम यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते हैं, सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर हमें यहाँ पे इनके बीच में दो के बगल में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें इसे भी सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, फिर इनके बीच में चार डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया से हमें इसे भी जॉइंट करना है। ये देखिए ये पहली डिजाइन हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। फिर यहाँ पे हमें पिछली लाइन में हमने यहाँ पे छः डबल क्रोशिया बनाया था, ये तीसरी लाइन में हमें छः का सात करना है। तो जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, और बाकी जो हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसके बाद फिर हमें 15 चैन्स, फिर अगली हमें चैन की लरियाँ लेके उसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है, फिर 15 चैन्स बना के फिर हमें यहाँ पर रिटर्न आना है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे पहली डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाना है, और जो लास्ट की डबल क्रोशिया है इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। पिछली लाइन में हमने सात डबल क्रोशिया बनाया था, ये चौथी लाइन में हमें सात का नौ बनाना है, पहले में दो और आखिरी में दो, पांच चैन,
दो डबल क्रोशिया के बीच में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। फिर पांच चैन, इसी तरह हमें बाकी की दो में भी हमें इसी तरह बनाना है। ये देखिए, फिर एक चैन, फिर इसे हमें टर्न करना है, फिर इनके बीच में हमें स्लिप स्टिच, फिर तीन चैन, एक दो तीन, फिर इसी स्पेस में हमें तीन डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन, फिर इन इसके स्पेस में ये यहाँ भी स्पेस में फिर चार डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन, फिर यहाँ पे चार डबल क्रोशिया, फिर पांच चैन। ये देखिए, फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है, पहली डबल क्रोशिया में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस लाइन में हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 15 चैन बना के फिर चैन के लड़िया में हमें उसे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया, फिर 15 चैन बना के फिर हमें रिटर्न आना है। ये हमारी छठी लाइन, छठी लाइन में हमें पहली डबल क्रोशिया और दूसरी डबल क्रोशिया में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी जो बीच की हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। पाँचवीं लाइन में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया था, तो ये छठी लाइन में हमें 10 का 12 बनाना है, पहली में दो और आखिरी में दो। ये देखिए, फिर तीन चैन, एक दो तीन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर जो इनके बीच में है चार डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर जॉइंट, फिर चार डबल क्रोशिया। इस प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये दूसरी लाइन, दूसरी डिजाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी छठी लाइन कंप्लीट हो चुकी। फिर एक चैन, फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर जो दूसरी डबल क्रोशिया है स्लिप स्टिच, फिर तीन चैन, फिर जो हमारा दूसरी डबल क्रोशिया है उसके बीच का जो स्पेस है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर पांच चैन, दो तीन चार पाँच। फिर जो हमारी अगली डिजाइन है इसके ऊपर फिर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में दो डबल क्रोशिया, एक। ये देखिए, ये हमारी सातवीं लाइन। फिर हमें यहाँ पे पिछली लाइन में, छठी लाइन में हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाया था, सातवीं लाइन में हमें 13 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद भी हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 15 चैन बना के फिर हमें चैन की लड़िया में उसे अटैच करना है, फिर 15 चैन बना के फिर हमें रिटर्न आना है। इसके बाद फिर हमें, ये हमारी आठवीं लाइन स्टार्ट हो रही है, तो आठवीं लाइन में हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 13 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, टोटल हमें 13 डबल क्रोशिया बनाना है। हमने यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर पांच चैन, फिर जो हमारी ये दो डबल क्रोशिया है इसके बीच में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर पांच चैन। इसी तरह हमें ये जो बाकी की दो है इसके ऊपर भी हमें बीच में पांच चार चार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये आठवीं लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर एक चैन, फिर इसे टर्न करना है, फिर जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर स्लिप स्टिच, फिर तीन चैन, फिर हमें ये जो दो डबल क्रोशिया है उसके बीच में जो हमारा स्पेस है वहाँ पर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, फिर तीन चैन, फिर इसे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करना है, फिर तीन चैन, फिर जो दो सिंगल दो डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा स्पेस है यहाँ पर हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है,
इसी तरह फिर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है, फिर चार डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये देखिए ये तीसरी डिजाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पे जो पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, फिर बाकी जितनी भी डबल क्रोशिया है हमें सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा लास्ट लाइन है डिजाइन का, तो लास्ट लाइन में हमें यहाँ पर टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 15 चैन बनाना है, फिर अगली चैन के लिए हमें इसे अटैच करना है, फिर 15 चैन बना के फिर हमें रिटर्न आना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पर 15 चैन्स बनाया, अटैच किया फिर 15 चैन्स। फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर धागे को हमें कट कर लेना है। ये दूसरा डिजाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए ये दूसरा डिजाइन हमारा तैयार हो चुका है। फिर अब हमें यहाँ पे जो ग्रीन कलर है अब हमें यहाँ पे इसे अटैच करना है, और जिस तरह हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर से स्टार्ट किया था उसी तरह हमें यहाँ पे ग्रीन कलर से स्टार्ट करना है। इसी पैटर्न से हमें इसे कंप्लीट करना है। टोटल हमारा 8 डिजाइन बनना है, 4 हमारा ऑरेंज कलर से, 4 हमारा ग्रीन कलर से। इसी तरह हमें ये पूरा थालपोश को कंप्लीट करना है। 9 लाइन की ये टोटल 9 लाइन की ये डिजाइन है हमारा। ये देखिए इसी पैटर्न से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये थालपोश बनकर हमारा तैयार हो चुका है। ये हमारा 8वां डिजाइन है ऑरेंज कलर से। हमें यहाँ पे एक चैन लेके धागे को कट कर लेना है। अब हमें इसे यहाँ पे सुई की सहायता से इसे हम यहाँ पे अटैच करना है। हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा इसमें सुई में हमें लेना है। ये हमने सुई में धागे डाल लिया, उसके बाद फिर हमें इसे टर्न करना है, हमें उल्टा इसे करके सिलना है। ये जो हमारी चेन की लड़ी है इस कोने से हमें लेना है। जितने भी ऊपर में चैन है सब चैन में हमें धागे से इसे सिलना है। इसी तरह हमें ये कॉर्नर तक पूरे इसे सिल लेना है। ये हमने कॉर्नर तक इसे सिल लिया, फिर कॉर्नर में हमें इस तरह धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए ये थालपोश बनके हमारा तैयार हो गया। अब बीच का जो हमारा गैप है फ्रेंड, जहाँ पर हमारा सर्कल है यहाँ पर इस तरह हमें छोटा सा गुलाब बना के इसे हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लगेगा, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।